नमस्कार तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं हमारे इस YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई न तरसे। हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप सभी को बराबर खुशियां देना, सभी को अपार धन संपदा देना, खासकर उन लोगों को जिनकी पहली और आखिरी इच्छा आप ही हो प्रभु। तुला राशि वालों, आज दोपहर 2 बजे के बाद एक जबरदस्त बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान आपको आखिरी चांस देने वाले हैं अमीर बनने का। अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया तो फिर समझ लीजिए ऐसा मौका आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप अपनी जी जान लगा देना, लेकिन फिर भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान एक मौका सबको देते हैं, लेकिन कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई भावनाओं में बिखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में हर प्रयास करके थक चुके हैं, यहां तक जो जो लोग कहते हैं वो सब आपने किया, लेकिन फिर भी आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ईश्वरीय शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। जी हाँ, ये ईश्वरीय शक्ति आपको आज दोपहर 2 बजे के बाद मालामाल कर देगा। लेकिन दोस्तों, कुछ विशेष बातों को आपको अपने ध्यान में रखना होगा जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ यकीन दिलाते हैं कि आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। जी हाँ, आपके किस्मत में जो नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो भी अब आपको मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। देखिए दोस्तों, भगवान हमें वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, हम आपसे बस इतना ही अनुरोध करेंगे, आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आज आपका बंद किस्मत का ताला खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करती हैं, वो सबसे पहले अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जय जयकारा जरूर लगाएं। इससे उनकी कृपा दृष्टि आप व आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहेगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं आज दोपहर 2 बजे के बाद भगवान वो कौन सा मौका आपको देने वाले हैं और किस तरह से आप अमीर बन सकती हैं। तुला राशि वालों, जैसा कि आपने सुना है, आज दोपहर 2 बजे के बाद भगवान एक आखिरी चांस आपको देने वाले हैं अमीर बनने का। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी चांस होगा, क्योंकि दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से समय बहुत उत्तम है। आपका आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा, जिस कारण से आपके रुके हुए कार्यों की ओर अग्रसर रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज के दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, खासकर उन लोगों को जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं, घर से दूर रहती हैं। जी हाँ, उन लोगों के लिए समय सोने पे सुहागा रहने वाला है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चीज आप शुरू करते हैं उसे आज ही खत्म करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे आपको सफलता मिलने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठ सदस्यों की आदेशों पर चलना होगा, तभी आप लाभ कमाने में कामयाब हो पाएंगे। ग्रह गोचर अनुकूल है, कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा,
जी हाँ, साथ में मिलकर काम करने वालों से आज आप थोड़ा सा सावधान रहें, बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं। अगर हो सके तो एकांत में समय व्यतीत करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। मामा पक्ष की ओर से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को किसी जोखिम भरे कामों को करने से आज के दिन बचना होगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे के मामलों में आज आप दखल अंदाजी ना करें, नहीं तो दूसरों की वजह से आज आपके ऊपर समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपका कोई नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और अस्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके किसी नए काम में आगे बढ़ने में आप अपने खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। इसलिए दोस्तों, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, सोच समझ कर ही खर्च करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को धन उधार देने से बचिएगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन थोड़ा सा बचकर रहिएगा तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में थोड़ा सा नरम रहने वाला है। जी हाँ, और आपको अपने रूटीन को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या योग अथवा व्यायाम आदि को शामिल करना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। काम काज की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छा मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुने, नहीं तो वो आपसे आज नाराज हो सकती हैं। कैरियर में आज कोई नया उछाल देखने को मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको अनावश्यक कार्य में लापरवाही बरतने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन के मामले में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है और आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और अगर आप चार जनों के बीच कोई बात वगैरह कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको अति उत्साहित होकर किसी काम को नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मेल मुलाकात करने आ सकती है और संतान से आप किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी में पड़ सकती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिजूल की बातें नहीं करना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ, आपका आत्मविश्वास बढ़ने से आप किसी भी काम में निसंकोच आगे बढ़ेंगे, लेकिन यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच विचार कर रहे हैं तो वो भी आज आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आपको अपने पिताजी से बातचीत करके ही नए कामों की निवेश करना है, शुरुआत करना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद नजर आएगी। जी हाँ, निजी जीवन में आपकी रुचि और बढ़ेगी। यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने की सोच विचार कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आज आपकी पूरी हो सकती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला रहेगा। आपको यदि कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिले तो उसे गुप्त रखना है। जी हाँ दोस्तों, किसी के भी सामने उजागर नहीं करनी है। जीवन साथी की सेहत में गिरावट को लेकर आज आपका मन परेशान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भाइयों से बिजनेस की जो है धन संपत्ति
संबंधित कुछ डीलों को लेकर बातचीत कर सकती हैं। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके कुछ विरोधी उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको चिंता नहीं करना है। जी हाँ, होगा वही जो राम रचि रखा है। जी हाँ दोस्तों, टेंशन और तनाव आपको नहीं लेना है, होगा वही जो राम रचि रखा है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को